गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने पर्सपेक्टिव की जो चेयर की जो ड्राइंग बनाई थी उसको मैंने एक और बार बनाया है आप लोगों के लिए। उसको दो एंगल में, अलग अलग एंगल में बनाया है, आपको दिख रही है। इसके लिए हमने पेंसिल स्केल का यूज़ किया है ड्राइंग शीट पर। देखते हैं अब पर्सपेक्टिव ड्राइंग हमें करनी है, इसको करते हैं कैसे करते हैं। तो जैसा कि देखिए, सबसे पहले हम स्केल से एक बिल्कुल सीधी लाइन बना देंगे इस प्रकार से। ये लाइन बनाने के बाद में हम एक इस प्रकार से इसके सेंटर पे एक लाइन नीचे बना देंगे। देखिए आकार ऊंचाई आप अपने हिसाब से लेना। अब देखो इसको हम इससे मिलाएंगे, थोड़ा इसको छोटा कर दीजिए, इसको इससे मिलाएंगे। देखिए और इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिला दीजिए। अब देखिए लगभग इसके कुछ भाग पर हम यह डॉट करेंगे। इस डॉट से आपको एक लाइन इधर यहाँ से इसको मिलाना है, इस प्रकार से आप इसको मिला दीजिए यहाँ पे, और इसी डॉट को आप यहाँ पे भी मिलाएंगे उल्टा, जिस प्रकार से हमने पूरा लाइन बनाया है। ये लीजिए, अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, एक बिल्कुल यहाँ पे देखिए, और इसको इस वाली जो लाइन है ये वाली जो लाइन है इसको आगे तक मिलाना है। इसे कहाँ पे आएगी ये, वहाँ तक उसको मिलाना है। ये देख लीजिए यहाँ पे, अब देखिए इसको थोड़ा ऊपर निकाल दीजिए यहाँ से, और इसको रब कर दीजिए यहाँ से। अब देखो ये यहाँ पे मिली है, ये यहाँ पे मिली है। देखो अब यहाँ पे इधर का जो भाग बनाएंगे हम वो यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा हमारा। ये मैंने छोटा बनाया है इसलिए ये जा रही है वो लाइन ऊपर। कोई बात नहीं, हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। अब देखो इधर से देखो ये जो लाइन है ये थोड़ा सा जितना यहाँ से यहाँ है उतना थोड़ा सा स्टिक इधर निकाल देते हैं इसको, और इसको अभी हम लोग यहाँ पे मिला देते हैं। ये मिला दिया हमने, हमारा चेयर का भाग जो पोर्शन है वो निकल चुका है। अब देखते हैं हमें कैसे क्या करना है। सबसे पहले आप देखिए इसके नीचे एक और लाइन बना दीजिए, आप अपने मन से ही लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। वैसे अगर आप यहाँ से ड्रॉ करोगे तो आप सीधा भी ले जा सकते हो ठेट यहाँ तक, इस ये तक। फिर देखो यहाँ पे आपको एक लाइन और ड्रॉ करनी है यहाँ तक, अगर इसको आगे बढ़ाऊँ तो मैं यहाँ तक ऐसे आ रही है ये, तो आपको वो यहाँ तक एक इस प्रकार से उसको यहीं रखने दो। इसके बाद में दो लाइनें दोनों तरफ से यहाँ पे भी बनानी है आपको, यहाँ पे और यहाँ पे। और देखिए अगर बात करूँ मैं तो यहाँ से एक और लाइन हम नीचे भेज सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको मिला दीजिए 1 2 और 3 लाइनों में आप मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो एक को बड़ा कर दीजिए इस प्रकार से, ये भाग हो गया है अपना। यहाँ पे मिला दीजिए, इधर से भी मिला दीजिए, और चाहो तो आप एक इसके बाद से भी इस प्रकार से इसको भी मिला दीजिए। ये भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखिए हल्का सा हल्के सी ये लाइन यहाँ देते हुए और यहाँ देते हुए इसको मिलाना है आपको यहाँ पे। ये हो गया है। अब देखो ये जो था, देखो अपन इसी पे बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी बनेगी लेकिन कोई बात नहीं। इसको यहाँ से मिला दीजिए और इसको हल्का सा ये करते हुए इसको यहाँ से मिली हुई है यहाँ से, इसको थोड़ा सा आगे कर दीजिए यहाँ से, इसको भी इस प्रकार से थोड़ा सा ये कर दीजिए ये।
ये इसके पास अगर आप चाहो तो एक लाइन और ड्रॉ कर दीजिए इस प्रकार से, ये, और इसको जब आप मिटाओगे तो ये हमारी चेयर बन जाएगी। तो ये है क्योंकि स्पेस हमारे पास कम था, अगर थोड़ा स्पेस ज़्यादा लेंगे तो ये लाइनें जब बड़ी आती है, तो अगर जब हम इसको अगर बड़ा बनाते हैं तो और ज़्यादा और अच्छी लगती है, क्योंकि लाइन स्पेस कवर करना रहता है हमें इस प्रकार से। देखिए इसके बीच में और लाइन हमें ड्रॉ करनी है, किस प्रकार से ड्रॉ करनी है देखिए। वन, थोड़ा ऊपर वाले को बड़ा करो, नीचे वाले को थोड़ा सा छोटा कर दो इस प्रकार से, और इसको यहाँ से दिखाना है इस प्रकार से। ये नहीं दिखेगा पीछे वाला भाग, आगे आगे के तीन भाग हमने दिखा दिए हैं, तीनों भाग हमारे क्लियर दिख रहे हैं हमें। देखो एक दो, फिर यहाँ से जब आगे बढ़ेगी थोड़ी सी, मैंने बोला थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर दो इसको इस प्रकार से। ये चेयर बन गई है। इसका एक और एंगल मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, उसको एंगल को आप बनाने का प्रयास करेंगे, और वो एंगल है हमारा ये वाला ऊपर वाला। देख लीजिए एक लाइन दो लाइन और तीन लाइन, और किस प्रकार से मैंने वो एंगल बनाया है ये आप लोग बना के बताएंगे मुझे। ओके धन्यवाद।